राजधानी जयपुर के बिल ऑडिटोरियम में निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत एक पहल इंडिया की शुरुआत हुई, जिसके तहत राजस्थान के सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को आईएएस, आरएएस और सीईटी की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इसके तहत शुक्रवार से क्लासेज लगना शुरू हो जाएंगी। एक पहल इंडिया के शुभारंभ समारोह में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि इस योजना से गरीब परिवारों के बच्चों को महंगी कोचिंगों में नहीं जाना पड़ेगा और निःशुल्क कोचिंग मिल सकेगी। आपको बता दें कि निःशुल्क कोचिंग के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन इस योजना के तहत प्रदेश भर के 5,00,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। इसमें आईएएस और आरएएस का कोर्स 2 साल का निर्धारित किया गया है, वहीं सीईटी के लिए 1 साल का कोर्स रखा गया है। स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों को हायर किया गया है, जो सोमवार से शुक्रवार तक कक्षाएं लेंगे। साथ ही हर शनिवार को सीनियर आईएएस आकर छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। योजना के शुभारंभ समारोह में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव, आईएएस मंदर महेंद्र सोनी, कांग्रेस के सोशल मीडिया इंचार्ज सुमित भगासरा, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति राजीव जैन सहित कई विद्यार्थी मौजूद रहे। उनको लाना है क्या? उनका तो राज आ नहीं रहा है, राज अपना है कांग्रेस का है, तो कांग्रेस दे रही है, सारी योजनाएं धरातल पे जा रही हैं और आगे भी कांग्रेस का सरकार आने वाली है, क्योंकि अच्छी गुड गवर्नेंस रही है, अच्छा बजट रहा है, तो वो चिंता हम करेंगे कि किस प्रकार से आगे शासन चलाना है, किस प्रकार एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं। धरातल पे हमारी जनघोषणा भी धरातल पे आई है और बजट भी धरातल पे आ रहा है। बीजेपी के पास में कहने के लिए कुछ नहीं है, वो बिखरी हुई है, न उनके पास में कोई विजन है, न प्रतिपक्ष की भूमिका है। उनको तो चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी से एक मांग करके ERCP को राष्ट्रीय प्रयोजन